क्या लगता है? तो उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, तो दो बार उनको दो टर्म दिया गया और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते और चले जाते। नीतीश नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़24 देख रहे हैं। आज जो है मीसा भारती जब पत्रकारों से बातचीत करती है, एक वीडियो उनका एक सामने आता है, वो कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है अब 400 पार की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन अब जो है वो बताएंगे कि 10 सालों में जो हम लोगों ने जो है 20 करोड़ नौकरी दिया है और वो बताएंगे कि हम लोगों ने जो वादा किया था वो हम लोगों ने पूरा किया है, साथ ही साथ जो बिहार की स्थिति है उसको हमने जो है बेहतर बनाया है और जो हम लोगों ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का वो भी हमने पूरा कर दिया है। साथ ही साथ मीसा भारती कहती नज़र आ रही हैं कि जो पाटलिपुत्रा के जो सांसद अभी वर्तमान में हैं वो जो है उनको 10 साल मौका मिला लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बार जो है जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। पहले जो है मीसा भारती क्या कुछ कहते नज़र आ रही हैं, पहले उनको सुनिए। मैडम, आप लोग कह रही हैं कि पीएम डिप्रेशन में है लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 400 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता तो है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ, तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी, तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच? बहुत बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का, और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, दो बार उनको दो टर्म दिया गया और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की, जबकि सरकार है राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया, बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या, इसीलिए कैंप कर रहे होंगे? और खैर हर एक जो दल के नेता होते हैं ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे, और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमजोर पड़ रहा है इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है, वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे इसीलिए कैंप करना पड़ता, अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है मैंने बहुत डेवलप किया तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो। तो आपने मीसा भारती को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो जनता है उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार जो है हम लोग निश्चित रूप से जो बिहार में झंडा गाड़ने का काम करेंगे और दिल्ली की जो सत्ता है हम लोग वहाँ भी सत्ता बनाने का इस बार जो है निर्णय ले चुके हैं, जनता भी मन बना चुकी है कि दिल्ली में जो अगली बार सत्ता का जो परिवर्तन होगा वो महागठबंधन की होगी और अब इस बार जो है हम लोग कुछ बेहतर एक नया आयाम को चुनेंगे, साथ ही साथ इस बार जो है देश को एक नई तरक्की की ओर लेके जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।